भी आपको लगे ऐसा कि व्यापार बहुत अच्छा चल रहा था और एकदम बंद सा हो गया, फैक्ट्री चल रही थी एकदम बंद सी हो गई, मेरा व्यापार ही नहीं बढ़ रहा, तो प्रयास करना, तांबे के कलश में जल लीजिएगा, बेलपत्री नीचे हाथ में रखिएगा, तांबे के कलश को उसके ऊपर रखिएगा, तांबे के कलश को उसके ऊपर रखिएगा, मारक उल्टा हाथ उस तांबे के कलश पर रखिएगा, अपना नाम और गोत्र का स्मरण करिएगा, ऐसा कैसा ही पात्र लेकर जाइए, अंगूठे से और उंगलियों से पात्र को पकड़कर बेलपत्री हाथ में रखे रहने देना, अपनी जिस कामना से जो भी व्यापार है आपका, जो फैक्ट्री है, जो व्यवसाय है, नहीं चल रहा या इंटरव्यू के लिए जा रहे हो नहीं हो रहा, तो जल का पात्र पकड़कर हाथ का स्पर्श कर जल, श्री तुम्ब रूपेश्वर महादेव, कौन से महादेव, तुम्ब रूपेश्वर महादेव के नाम से शिव को चढ़ा दीजिए, बाद में पात्र को नीचे रखकर बेलपत्री शंकर जी पे जब चढ़ाए तो इस डंडी के भाग को अशोक सुंदरी का स्थान होना चाहिए, चढ़ाते समय डंडी का भाग अशोक सुंदरी की ओर रख दे महाराज, झोली पसार कर प्रणाम करें, बाबा से निवेदन कर कर आए, 3 से 4 दिन लगेंगे, जो व्यापार ठप पड़ा था उसमें थोड़ी सी उन्नति होना प्रारंभ हो जाएगी। तुम रूपेश्वर महादेव, भगवान शंकर आनंद की राशि है, शिव सुख की राशि, आनंद देंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें।